21 दिसंबर की अल सुबह 5 बजे बिना किसी सूचना के रामपुरा की पुलिस और नगर परिषद ने हम गरीबों के कच्चे मकानों को बुलडोजर से रौंद कर नेस्तनाबूद कर दिया। हमारे घर में पड़े राशन पानी, कपड़े और बिस्तरों को ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर आग के हवाले कर दिया। ये शिकायत लेकर रामपुरा के वार्ड नंबर 15 के भोई और वाल्मीकि समाज की महिलाएं आज नीमच के जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां जनसुनवाई में गुहार लगाई। महिलाओं ने कहा कि हमें धमकी दी गई है कि दोबारा यहां पर आए तो सभी को जेल पहुंचा दिया जाएगा। महिलाओं ने ज्ञापन सौंपकर कहा कि प्रधानमंत्री का देश के हर एक नागरिक को आवाज देने का वादा है। पिछले 20 सालों से ये जमीन हमारे पास है, पिछले कई सालों से हम झोपड़ी बनाकर यहां रह रहे हैं। रसूखदार लोग शासन की पट्टा योजना का अवैध लाभ ले रहे हैं, खुद शासकीय भूमि पर पक्के मकान बना रहे हैं, दूसरी ओर हमारे साथ जबरन पक्षपातपूर्ण व्यवहार करके हमें परेशान किया जा रहा है। महिलाओं ने ज्ञापन में मांग की है कि हमारे कच्चे आवासों और हजारों रुपए के हुए नुकसान की भरपाई कर इस भूमि पर आवासीय पट्टे मुहैया कराए जाए। ज्ञापन देते समय बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। हमारा ये मामला है सर कि हम रामपुरा से आए हैं आपके पास समस्या लेके कि हमारा 20 साल से हमारा कब्जा उस जमीन के ऊपर, क्या तो हमारे को कब्जा कर रखा था तो नगर पालिका वाले और थाने वाले आए, हमारे को झुपड़ी बना रखी थी वहाँ पर, तो वो हमारी नष्ट करके चले गए कि आप आइंदा यहाँ पे मत बनाना। तो सर हम शिकायत लेके यहाँ आए कि हमारे को वो जमीन हमारे को दी जाए। ये सब जितने भी है पूरा ये सब भाइयों सब चाहिए, ये इतने इंसान अब क्या मांगे आप? हमारे को ये मांगे कि हमारे को जमीन चाहिए, वो हमारे कब्जा है ना, नगर पालिका वाले परेशान करते हैं। अगर मान लो कि जमीन नहीं मिलती तो फिर क्या करेंगे आप? हम यहाँ धरना देंगे। उसके बाद में हमने 5 साल हो गए, हमने 4-5 साल हो गए जमीन बना रहे, मकान बना रहे, कच्चा मकान बना रखा, तो इसमें हमने रिवाज कर दिया। वो सभी इतने भाई बहन सब रह रही थी, वो सब हमारा आटा रोशन सब हमारे कपड़ा लगता हमारे बाल बच्चा सब रहने दे दिए, तो वहाँ पर ही दे दे। अभी हमारा कोई आना ने यूँ नहीं किया, नोटिस वोटिस कहीं दिया कि भाई तुम उठाओ तुम्हारे मकान उठाओ के तुम्हारे कपड़ा लगता उठाओ के तुम्हारे बिस्तर उठाओ के ले जाओ, ये कुछ नहीं दिया हमारे। अब 5 बजे रात के आए वो नगर पालिका के भी आए, वो पुलिस वाले भी आए, उन्होंने हमारे झोंपड़िया भी मकान भी पटक दे सा। मकान पटके के बाद हमने क्यों कि हमें जाने दो, इधर जाने दो, हमारे के बाल बच्चा भी लावे हमारे, और हमारे राशन पानी सब पड़ी है और हमारे भिस्तर वगैरह सब लावे। तो पुलिस वाले के अगर नहीं जाना अंदर नहीं डालना, तुम अंदर जाओ तो तुम्हें जला देंगे, वो तुम्हारे लकड़ी चार कर देंगे, वो तुम्हारे को जीप में डाल के थाने ले जाएंगे। हमने बोला कि चलो ले लो हमारे को थाने में ले लो, बोली चले हम कोई चोरते ही हम तो सरकारी चोरी करी, हम आपकी चोरी तो करी नहीं, हमने सरकारी पे सरकार पे आगे आदेश है हमारे को कि भाई मकान बना के रहो, गरीब बने तो मकान बना के दे दिए, भाई हमने तो कोई चोरी तो करी नहीं साहब। तो हमने बोला कि भाई हमारे सामान लाने दो कि नहीं लाने देंगे, तो हमारे बनाने बना गाड़िया में थी पेट्रोल वेट्रोल करिया इसने ने, और इसमें हमारे बिस्तर वगैरह में सब में बाहर दी मिल दी, और हमारा आटा रोटी सब में बाहर दी मिल दी, हमारे सब झोंपड़े सब डला दे, मकान वकान सब डला दे साहब, हमारे अंदर जाने मिल दी। कहाँ? रामपुरा में। रामपुरा में 15 वार्ड में रहते, वार्ड नंबर 15 में रहते। कितने लोगों के मकान है वहाँ? 40-50 के मकान, और बहुत 60-70 मकान और भी बंदे वन में थी, भेदभाव करे तो हमारे मकान नहीं पटके। किस समाज से आप लोग? बोही समाज है, बोही समाज हरिचंद मिल सब हम सब शामिल है साहब, सब शामिल है। अच्छा कब की घटना है ये? 21 तारीख। उसके बाद आप लोगों ने और किसी से बातचीत की, विधायक से किसी से मिले? किसी यहाँ पर अभी गए आप कलेक्टर ऑफिस? कागज दे के आई, क्या बोले अंदर कलेक्टर? कलेक्टर साहब अभी और कौन है? किसी ने कर्मचारी बेचे थे तुम्हारा काम हो जाएगा, यही बात बताते हैं उन्होंने। अच्छा वो आएंगे तो अगर आप लोगों की झोपड़ी वापस से नहीं बनाने देते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? बनाएंगे हम, वही वही बनाएंगे, वही मरेंगे, वही जियेंगे। हमारे रहने का घर नहीं है कुछ भी, हम वही रहेंगे और वही बनाएंगे। हम नहीं बनाने देंगे तो क्या करोगे? बनाएंगे कैसे नहीं बनाने दे, हम लड़ेंगे, आगे लड़ेंगे। हम एमपी सरकार के आदेश तो आगे से हो, आगे तो आदेश से दिए क्या कि जहाँ जमीन है जहाँ बनाओ के दो, तो पैसे तो ही को हमारे कच्ची मकान नहीं सही, उनमें देना, हम मजदूरी आदमी साहब। आपका सामान भी जला दिया? सब जला दिए, भीतर वगैरह सब जला दिए, सब कुछ भी नहीं। क्या नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ आसिफ अली की रिपोर्ट।